आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ वर्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। खबर असम से है जहां विशाल ब्रह्मपुत्र नद के किनारे बसे डिब्रूगढ़ शहर के तटवर्ती इलाके के लोग नदी द्वारा लगातार भूक्षय होने से बाढ़ के संशय से आतंकित हैं। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार बारिश होने के कारण डिब्रूगढ़ के नागागोली और माईजान इलाके में भारी मात्रा में भूकटाव हुआ है। इस प्राकृतिक भूकटाव ने आसपास के लोगों को प्राकृतिक प्रकोप के मुहाने पर ढकेल दिया है। इस इलाके में बांध का निर्माण आवश्यकता के अनुसार न किए जाने से यहाँ की जनता भयभीत है। ब्रह्मपुत्र नद के पानी से लगातार भूक्षय होने के कारण यहाँ की स्थिति चिंताजनक बन चुकी है। इस इलाके को अतिक्रम कर ब्रह्मपुत्र नद का पानी चारों ओर फैल जाए तो समूचे डिब्रूगढ़ शहर के साथ साथ मोहनबारी हवाई अड्डा भी बाढ़ में विलीन हो जाएगा। इसी आशंका से संकित स्थानीय लोग अपने स्तर पर बांध को मजबूत करने पर जुटे हैं। इसी क्रम में बता दें कि इतनी गंभीर स्थिति पैदा होने के बावजूद यहां अभी तक स्थानीय विधायक व सांसद या फिर ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं आया है। सरकार की कोताही से यहां के लोग न सिर्फ हैरान परेशान हैं बल्कि उनकी इन गलतियों से आग बबूला हुए जा रहे हैं। आपको बता दें डिब्रूगढ़ दशकों से इस प्रकोप का शिकार होता आ रहा है। सरकार के ठोस कदम के बिना यह आपदा ताली नहीं जा सकती है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता की चीख निद्रा में खोए सरकार को जगा पाती भी है या नहीं। मेडिकल से लेकर डिब्रूगढ़ पूरा अंचल हमारा ये मोहनबाड़ी एयरपोर्ट लहवाल जितना भी एरिया है, मतलब इससे 50-60 गांव हम लोग का सब जितना गांव है सब इसके प्रभावित आ जाएगा। ये भूकटाव जो समस्या है आज का समस्या नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का समस्या हम लोग का प्राय 20-25 साल से ज़्यादा हो गया है। कितना हम लोग का बड़ा बड़ा गांव, कितना बड़ा बड़ा टाउन माने शहर ऑलरेडी माने नदी के अंदर चला गया। अभी भी मतलब जो स्थायी समाधान लेना चाहिए सरकार वो अभी तक निया नहीं है। जिला प्रशासन बोलिए, आसाम सरकार चलिए, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, अभी तक कोई माने उसका स्थायी जो समाधान वो अभी तक नहीं लिया। ये देखिए क्या हो रहा है, ये जो डाइक है, ये डाइक पूरी तरह से धस गया है, नदी के अंदर चला गया है और 2 मीटर और 3 मीटर बाकी है। इसीलिए हम आसाम सरकार और केंद्रीय सरकार को अपील करता है कि ये जो इरोजन है जल्दी से जल्द इसका स्थायी समाधान निकालिए। हम आसाम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को अपील करते हैं, आप आइए यहाँ देखिए और ये इसका स्थायी समाधान आप कुछ निकालिए। हम लोग सरकार से अपील करते हैं, अभी इसका स्थायी समाधान हम लोग को चाहिए और स्थायी समाधान नहीं होने से आप देख रहा है 1 मीटर भी बाकी नहीं है मोथरी यहाँ पे भांगने के लिए। अगर ये मोथरी टूटता है तो पूरा डिब्रूगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, आपका मोहनबाड़ी एयरपोर्ट, बड़ा बड़ा चाय बागान, हजार हजार चाय चौरमी, गांव, कृषि भूमि, इसे पूरा जलमग्न हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।